الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله مولانا العظيم काबिले कदर बुज़ुर्गो दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप हजरात की खिदमत में सूरह साफ़ात की चंद आयत करीमा जिसका ताल्लुक सैयदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माईल के वाक़े से मुताल्लिक है, कुछ ज़रूरी मारूज़ात आप हजरात की खिदमत में पेश करना इन हालात के तनाज़ुर में ज़रूरी है। गुज़िश्ता दो जुमा से क़ुरबानी के वजूब पर तफसीली कलाम हो चुका है दलाइल के साथ, और गुज़िश्ता जुमा तकरीबन 24-25 उनवानात के तहत क़ुरबानी के अलग अलग मसाइल का ज़िक्र भी आ चुका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं और उलुल अज़्म पैगंबर हैं। और अंबिया के जद्द अमजद हैं, जिनके बारे में कुरान करीम की ये गवाही है, इन्ना इब्राहीमा कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, के बिलाशुबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक जमात के मानिंद है। उनके खूबियों के एतबार से कमालात और अल्लाह ताला ने उनको जो बरदरी सरबुलंदी और इम्तियाजात अता फरमाए थे उसके एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ुरान ने एक जमात करार दिया है। और उन्हीं के साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं,
जिनकी नस्ल से मेरे और आपके आका खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, और उन्हीं के एक दूसरे साहिबजादे हैं हजरत इसहाक, बशरनाहु बिइसहाक, उनके बेटे हैं हजरत याकूब। हजरत याकूब ही को इसराइल कहा जाता है और उनकी जो नस्ल चली है उसको बनी इसराइल कहा जाता है। उसमें 4000 अंबिया है, तो बनी इसराइल के भी गोया ये सरदार हैं, बनी इस्माइल के भी, बैतुल मुकद्दस के भी, काबा के भी, दोनों सिलसिले आकर के हजरत इब्राहिम की जात में जमा हो जाते हैं। एक मरकजी शख्सियत है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक आइडियल, एक नमूना और उनके जिंदगी को एक बुलंद तरीन आला तरीन नमूने के तौर पर पेश किया है और क़यामत तक के लिए पेश किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। ये सबसे पहले उन्होंने दीन की दावत लेकर के और तबलीग का काम लेकर के, तौहीद का मिशन लेकर के जब वो खड़े हुए तो उनके बाप आज़र ने भी मुखालफत की। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा व आतज़िलुकुम व मा तदऊना मिन दूनिल्लाह व अदऊ रब्बी असा अल्लाह अकूना बिदुआई रब्बी शकिया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मनसब अता फरमाया है उसमें खियानत तो नहीं की जा सकती, हाँ आपको छोड़ा जा सकता है। जब बाप भी अपने पैदा करने वाले की बगावत पर उतर आए तो बाप का रिश्ता भी कोई माना नहीं रखता। उसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको तो छोड़ सकता हूं लेकिन जो आपका भी खालिक है, मेरा भी खालिक है, उसके साथ किसी को शरीक करना तो संगीन जुर्म है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो सबसे पहली कुर्बानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देनी पड़ी वो अपने बाप की कुर्बानी है, उनकी जुदाई की कुर्बानी है। इसमें बताया गया कि रिश्तेदारियां खानदान अकीदे के ताबे हैं। लोग आजकल रिश्ता करते हुए ये भी नहीं देखना चाहते कि लड़का लड़के का अकीदा क्या है, लड़के के अखलाक क्या हैं, उसके ख्यालात क्या हैं, उसके नज़रियात क्या हैं। बस उसके पास पैसा होना चाहिए, घर सवारी कार हो, बंगला हो, ओहदा हो, इज्जत हो। मैं नहीं कहता कि आप ना देखो, आप देखो कि वो लड़का क्या काम करता है, आप देखो कि लड़की की सेहत कैसी है, अब ये भी देखो कि उसके पास घर है या नहीं है, ये भी देखो अगर आप देखना चाहते हो कि वो कैसे ख़ानदान का है, इसका किस ख़ानदान से ताल्लुक है और कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, ये भी देखो। लेकिन सब चीज़ों को देखने के बाद आदमी अकीदे गुना देखे, अमल और अखलाक की छानबीन ना करे तो मैं समझता हूँ कि ये तरीका यहूदियों, ईसाइयों, हिंदुओं का तो हो सकता है। एक मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हो वो इन दुनियावी हकीर फानी आर्जी चीज़ों को लेकर के अकीदा जो उसकी हमेशा की नजात का बुनियादी नुक्ता है उसको नज़रअंदाज कर दे, मैं नहीं समझता कि एक मुसलमान ऐसा सोच सकता है। तो खानदान हो या रिश्तेदारियां हो वो सब अकीदे के ताबे हैं। ये सबक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को कयामत तक के लिए दिया और अल्लाह ने उनको नमूने के तौर पर पेश किया। देखो ये नमूना है, इसीलिए कुरान करीम ने जहां ये कहा लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि तुम्हारे लिए हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना मौजूद है। हुजूर तुम्हारे आइडियल हैं, नमूना हैं,
उनको देख करके जिंदगी गुजारो। ये कहा वहीं कुरान करीम ने यह भी कहा, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मा, हजरत इब्राहिम भी तुम्हारे आइडियल हैं। हजरत इब्राहिम नमूना बनाने जैसी शख्सियत है, उनकी जिंदगी की नकल की जा सकती है, उनकी जिंदगी से रहबरी हासिल की जा सकती है। वो रहनुमा, रहबर, कायद और इमाम हैं पूरी उम्मत के। इसीलिए कुरान करीम ने एक जगह इम्तिहानात लेने के बाद उनकी इमामत का ऐलान भी फरमाया है, कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। पहले तो इम्तिहानात का जिक्र किया कि हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ इम्तिहानात लिए। वैदिब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फातम्महुन्ना, इम्तिहानात लिए और हर इम्तिहान में हजरत इब्राहीम 100% पूरे उतरे। उसको अरबी में कहते हैं मियातुन फिल मिया, मिया फिल मिया, 100 को 100 नंबर। ऐसा नहीं कि 100 का पर्चा है, हजरत इब्राहीम जस्ट पास हुए हों, 60 नंबर लिए हों, 80 नंबर लेकर के पास हुए हों, 99 नंबर लेकर के पास हुए, नहीं। कुरान कहता फातम्महुन, 100 नंबर लेकर के पास हुए। जब इम्तिहानात में पूरे कामयाब हो गए तो कुरान ने उनकी इमामत का ऐलान फरमाया और ये कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम हम तुमको रहती दुनिया तक तुम्हारी इमामत का ऐलान करते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारा आइडियल है। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम की जिंदगी भी हमारे लिए आइडियल है। قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم, याद करो उस वक्त को जिस वक्त उन्होंने और उन पर ईमान लाने वालों ने अपनी कौम से यह कहा था इन्ना बुराओ मिनकुम वमिम्मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, हम आपसे भी बरात का ऐलान करते हैं और जिन झूठे माबूदान बातिला की तुम इबादत करते हो और अपने हाथों से बनाई है वे मूर्तियों के सामने अपने इस जो है कीमती सर को झुकाते हो, कहता हम उन माबूदान बातिला से भी हम बरात का इजहार करते हैं। ये फरमाया तो सबसे पहला इम्तिहान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने को जो पेश आया वो ये कि उनको अपने बाप को भी छोड़ना पड़ा। दूसरा, जब मुखालफत बढ़ी तो दीन की दावत का सिलसिला जारी रहा तो बादशाह ने, नमरूद ने, जिस जो अपनी खुदाई का ऐलान कर चुका था, उसने फैसला किया कि काम ऐसा नहीं ख़त्म होता जब आदमी दलाइल से गुफ्तगू करने पर मजबूर हो जाता है। यही तरीका है, आज आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। जब आदमी के पास दलाइल नहीं होते तो आदमी दादागिरी पर उतर आता है और कत्लो गारत गिरी पर उतर आता है। यही तरीका उस वक्त भी लोगों ने इख्तियार किया। बादशाह के पास कुव्वत थी, ताकत थी, फौज थी, उसके पास खजाने थे। उसने कहा इब्राहिम का ऐसा खातिमा नहीं होता, इसे आग में फेंक करके इसे ख़त्म कर दो हमेशा के लिए। हजरत इब्राहिम कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मनसब मुझे अता किया गया है उसके लिए, उसको निभाने के लिए इब्राहिम आग में जलकर खाकस्तर तो हो सकता है, मनसब में खियानत इब्राहिम का शेवा नहीं है, किसी नबी का शेवा नहीं है। तो हजरत इब्राहिम ने आग को सीने से लगाया और आग में कूदने को, इसीलिए किसी ने कहा बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में इश्क, क्या खूब कहा, बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में इश्क। पता नहीं था इब्राहिम को कि आग गुलिस्तान होने वाली है। कूदने के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, कूदने तक हजरत, अगर पहले से बता दिया जाए तो ड्रामा हो जाएगा ना, पहले से अगर बता दिया जाए कूदो दुनिया वालों को दिखाने के लिए, ता हम जो है वो पीछे से आग को ठंडी कर देंगे, तुम्हें जलने नहीं देंगे, इब्राहिम को नहीं बताएगा वरना ड्रामा हो जाएगा, वरना इम्तिहान कैसे होगा अगर नतीजा बता दिया जाए, कूद पड़े। ये दूसरी कुर्बानी थी हजरत इब्राहिम की, जो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, बाप को छोड़ दिया, अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के जनाब में पेश की। तीसरी कुर्बानी, जब देखा कि मुखालफत हद से बढ़ रही है, इराक उनका शहर था,
तो मुल्क शाम फलस्तीन की तरफ हिजरत की हजरत इब्राहिम ने, कौम को भी छोड़ दिया, वतन को छोड़ा, घरबार को, रिश्तेदारों को छोड़ा, जैसे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत फरमाई, हजरत इब्राहिम ने भी फरमाई। ये तीसरी कुर्बानी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। चौथा इम्तिहान ये लिया, अभी इम्तिहान इश्क और भी हैं, खत्म नहीं हुए इम्तिहान, मोहब्बत के सबूत पेश करते जा रहे हैं हजरत इब्राहिम। इसीलिए कुरान करीम ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, जिगरी दोस्त करार दिया। अजीब बात है, मकाम खुल्लद अता फरमाया। चौथा इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया, हजरत हाजिरा से उनका निकाह हुआ, शहजादी थी मिस्र की, उनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब पैदा हुए रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम की उम्र 86 साल की थी। उमूमन इस उम्र में बच्चे नहीं हुआ करते, बुढ़ापे में कहाँ बच्चे होते हैं। उन्होंने बड़ी दुआओं के साथ उसे मांग करके लिया था, तो हुक्म हुआ कि अपनी नई नवेली दुल्हन को, अभी दुल्हन है, अभी शादी हो के चंद ही अरसा गुजरा, थोड़ा ही अरसा गुजरा है, हुक्म होता है तुम अपने बीवी हाजिरा को अपने शीरखार बच्चे के साथ ले जाकर बे आबो गिया वादिन गैरी जी जर इन में छोड़ कर आओ। ये चौथा इम्तिहान था हजरत इब्राहिम का, शीरखार बच्चा, बुढ़ापे में बड़ी तमन्नाओं दुआओं के बाद हासिल हुआ, हुक्म होता है कि ले जाओ इस बच्चे को बे आबो गिया में छोड़ो, तुम्हें रहना नहीं है साथ, छोड़कर वापस आ जाना है। बहुत सख्त इम्तिहान, इसका इम्तिहान का अंदाजा उसको होता है जिसको बुढ़ापे में कोई बच्चा हुआ हो और हुक्म हो ये बच्चे का इंतकाल हो गया हो बुढ़ापे में। अल्लाह हम सब की हिफाजत, अल्लाह हमको इम्तिहानात के हवाले ना फरमाए, हम बड़े कमजोर हैं। पांचवा इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दिया, हुक्म होता है, अब जिन आयतों को मैंने तिलावत की है इसमें उस पांचवें इम्तिहान का जिक्र है, वो चार इम्तिहान का कुरान में अलग अलग जगह जिक्र है, ये पांचवा इम्तिहान है, इसी पर मुझे कुछ अर्ज करना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अंबिया के पास वही आती है लेकिन ये हुक्म वही के जरिए यानी सरी हजरत जिब्रील वगैरह को भेज कर नहीं था, ये तो ख्वाब के जरिए से हुक्म दिया गया। अंबिया का ख्वाब भी वही होता है, इसलिए कि जब नबी सोता है तो नबी क्या की आंख सोती है, दिल नहीं सोता। उसमें भूल जाने का और किसी शुबे का, किसी वहम का गुजर वहां नहीं होता, इसलिए कि नबी का दिल बेदार है। गफलत वहां होती है जब दिल भी सो गया हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसमें यह जिक्र है कि उन्होंने बुढ़ापे में अपने बेटे को मांग करके लिया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे एक नेक बेटा अता फरमाइए। नबी भी खुदा से मांगता है, इसलिए कि नबी खुदा के बाद सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत होती है, सबसे ज्यादा काबिल कदर शख्सियत नबी की होती है, सबसे बुलंद मकाम पर नबी फाइज होता है, लेकिन उसके बावजूद नबी को खुदाई इख्तियारात नहीं हासिल होते कि जब चाहे बच्चा पैदा कर ले, जब चाहे जिसको चाहे जो चाहे दे दे, जब जो चाहे मालूम कर ले। इस सारे इख्तियारात तो खुदा के साथ खास हैं, जब जरूरत पड़ती है नबी को भी अल्लाह ही के सामने अपना दामन फैलाना पड़ता है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी हबली, ऐ परवरदिगार हमें दीजिए, मैं हकदार तो नहीं है, मेरे आपके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं,
एक तो ये है कि मैंने आपको कर्ज दिया है, वो कर्ज मुझसे आपको वापस देना जरूरी है। ऐसा कोई कर्ज अल्लाह ने नहीं ले रखा है, इसीलिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। रब्बी हबली, ऐ परवरदिगार मैं हकदार तो नहीं हूं, अगर आप ना दें तो मुझे मुआखजे का कोई हक नहीं है, मुझे शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं भीख मांगता हूं आपसे, बिला इस्तेहकाक अता फरमाइए। और औलाद, औलाद का मांगना ये सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि ऐन सुन्नत अंबिया है, अंबिया की सुन्नत रही है। लेकिन सिर्फ बच्चे मांगना सुन्नत नहीं है, नेक बच्चों का, फरमा बरदार दीनदार बच्चों का मांगना सुन्नत है। इसीलिए कुरान करीम ने कैद लगाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, जो बच्चा दर्दे सर बन जाए वो नेमत क्या हो सकता है, वो तो और मजीद अजाब का सबब बन गया, उसकी जिंदगी जहन्नम बन गई, दोभर हो गई, उसकी रात की नींद हराम हो गई, वो परेशान हो गया, बेचैन हो गया, वो ना बाप के काम का है, ना खानदान के काम का है, वो ना उम्मत के किसी काम का है, वो बच्चा बेचारा नाकारा है। अल्लाह नेक बच्चा अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने कहा फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम आपको एक जय बुर्दबार बच्चा अता करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला ने यह सिफत इख्तियार फरमाई है, हज़रत इब्राहीम को कहा इन्ना इब्राहीम अला हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, मेरा इब्राहीम तो बुर्दबार है। अब बेटे के बारे में कुरान कहता बेटा भी बुर्दबार दिया अल्लाह ने, सबर वाला, बर्दाश्त करने वाला, तहम्मुल वाला बेटा अता फरमाया। पता चला तहम्मुल वाला, तहम्मुल बर्दाश्त करने वाला मिजाज, ये एक खूबी है, एक कमाल है, ये मांगकर लेने जैसी चीज है। फबशरनाहु बिगुलाम, आप ऐसे बाहर हो जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, बेसब्री का मुजाहरा करना, ये इजरा मुनासिब भी नहीं है और ये अंबिया का तरीका और शेवानी है। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, बेटा दिया गया। कहते जब बेटा फलम्मा बलगमाहु साया, जब बाप के साथ उठने बैठने लगा, चलने के काबिल हुआ, बाप के हाथ बटाने के काबिल हुआ। बाद रिवायतों में आता है कि हजरत इस्माइल 7 साल के हुए, बाद रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम 13 साल के हुए। जब 13 साल के हुए फलम्मा बलगमाहु साया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और रिवायतों में आता 3 दिन लगातार ख्वाब देखा। ख्वाब में तावील की गुंजाइश होती है कि हो सकता है ताबीर ये हो जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है दूसरी ताबीर हो सकता है ये ताबीर हो। तो ख्वाब में जो है वो तावील की गुंजाइश होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा मैंने कहा बेखतर कूद पड़ा नमरूद है आतिशे इश्क में नमरूद, यहाँ तो इश्क था, यहाँ तो जो है वो मोहब्बत का मामला था, यहाँ कोई एतराज नहीं था, यहाँ कोई जो है वो मोहब्बत में कमी और नक्स नहीं था। हाँ, जब ख्वाब देखा तो 3 दिन लगातार देखा, तो एक दिन अपने बेटे को बुला करके कहा या बुनैया, ए मेरे बेटे इन्नी आरा फिल मनामी, मैं ख्वाब में ये देखता हूँ अन्नी अजबाह का फंजुर माजा तरा, मैं तुझे ख्वाब में जबा कर रहा हूं। आपकी क्या राय है? ये राय इसलिए नहीं थी कि इस्माइल अगर इनकार कर दे तो इस पर अमल ना किया जाए, ये मतलब नहीं था। ये था कि अगर हजरत इस्माइल के समझ में ना आया तो इस्माइल को समझा दिया जाएगा, समझाया जाएगा। लेकिन बेटा भी नबी का था और उनको भी नबी बनना था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और उन्हीं की नस्ल से जाए इस उम्मत के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस होना था। तो उन्होंने कहा फ़क़ाल या बतिफ़ाल मा तुमर, बेटा समझ गया, बेटा ख्वाब समझ गया, क्योंकि अंबिया के खानदान से था कि नबी का ख्वाब भी वही होता है, और जिस तरह फरिश्ते को भेजकर हुक्म दिया जाता है, ख्वाब के जरिए से भी नबी को हुक्म दिया जाता है, इसलिए कि अंबिया का दिल नहीं सोता। तो बेटे ने ख्वाब की ताबीर को समझते हुए कहा या बतिफ़ाल मा तुमर, या बतिफ़ाल मा तुमर, अरे अब्बा जी आपको जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उसको कर गुजरिए,
तामुल की क्या जरूरत है, सोचने की क्या बात है, पूछने और मशवरे की क्या जरूरत है। जिस बात का हुक्म दिया गया है वो तो परवरदिगार का हुक्म है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा खैर ख्वाह है और जो अकल से भरपूर है, जो नामाकूल अहकाम नहीं दिया करता। या बातिफाल, अय अब्बा जी, जिस बात का हुक्म दिया आप कर गुजरिए, बताइए। आगे फरमाया, सता जुदीनी, ये जबा हो जाने का मरहला है तो बहुत मुश्किल, लेकिन अगर अल्लाह की मशीयत ने साथ दिया और अगर अल्लाह की ताईद और नुसरत ने मेरा हाथ थामा तो इंशाअल्लाह आप मुझे साबित कदम रहने वालों में से पाइए। अंबिया का तरीका है कि कामयाब भी होते हैं और उस कामयाबी को अपने सर नहीं लेते, अपनी सलाहियतों का हवाला नहीं देते, अपने कमालात और खूबियों का हवाला नहीं देते, उसे कहते अल्लाह ने काम ले लिया, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह की नुसरत में शामिल है, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हो गई। ये अंबिया का तरीका है, उनको अमल करने के बाद गुरूर नहीं होता। बुजुर्गों ने लिखा है कि नेक अमल करने के बाद अल्लाह से डरने की ज्यादा जरूरत है आदमी को। गुनाह करने वाला तो डरता ही है, गुनाह करने वाले को तो अफसोस होता है, घमंड तो तहज्जुद पढ़ने वाले को आने के इम्कान हैं, घमंड तो इशराक चाश्त और हजार हजार मरतबा तस्बीह पढ़ने वाले को ज्यादा, नेक अमल करने वाले के पिसल जाने के ज्यादा खतरे हैं। इसीलिए फरमाया, अल्लाह को डरने का ज्यादा मौका अल्लाह की बुर्दबारी व हिल्म की आदमी को नेकी करने के बाद ज्यादा जरूरत है। उन्होंने हवाला दिया, ईसा जाजिदूनी, अब घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की मशीयत ने अगर साथ दिया तो साबित कदम रहने वालों में पाएंगे। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फलम्मा असलमा, कुरान कहता है जब उन दोनों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, इसलिए कि हुक्म अल्लाह का था। अब यह नहीं पूछा गया कि क्यों बच्चे को ज़बह क्यों, बेटे देखो सबसे बड़ी कुर्बानी जो होती है वो बेटे की कुर्बानी होती है। यह कुर्बानी तो माल की कुर्बानी के माल दो, ज़कात दो, सदक़े फितर दो, गरीबों पर खर्च करो, ये माल की कुर्बानी है। और उससे ज़रा बड़ी कुर्बानी ये कि अपने आप को ख़त्म, अपने आप को ज़बह कर दो, निकलो जिहाद में और निकलो अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए जो फितना फसाद फैला रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर देना और अपनी जान को बारगाह इलाही में पेश करना, ये दूसरे नंबर की कुर्बानी है। सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि किसी बाप से ये कहा जाए, ख़ास तौर से एक बूढ़े बाप को ये का हुक्म दिया जाए, तुम्हारा जो अकलौता बेटा है उसको अपने हाथों से ज़बह करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सख्त तरीन इम्तिहान है, इससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता। वो इम्तिहान पेश करके दुनिया को बुलंद तरीन नमूना बनाना था, फरमा बरदारी का बुलंद तरीन नमूना उम्मत के सामने पेश करना था। कोशिश करो यहां तक पहुंचने की। पूछते हो क्यों कुर्बानी, क्या कुर्बानी के बदले में पैसे देंगे तो चलेगा? अरे कुर्बानी, हजारों जानवरों का खून जाया हो रहा है, करोड़ों रुपये मुसलमान जाया कर रहे हैं, यह नहीं पूछा जाता हुक्म किसने दिया, उसने दिया है। जब उसको यह मंजूर है कि जानवरों को खून बहाया जाए, जब उसको यह मंजूर है कि करोड़ों रुपए का खून किया जाए, जब उसको यह मंजूर है कि पैसे नहीं जान चाहिए, जानवर की जान चाहिए, तो वहां फिर यह सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां सवाल वहां पैदा होता है, क्योंकि जब यह शुबा हो कि सामने वाले की अकल कम है, जब यह शुबा हो सामने वाला गद्दार है, हमारा खैरखा नहीं है, जब यह शुबा हो या अपने नफे के लिए हुक्म दे रहा है, वहां तो सोचा जा सकता है, वहां तो मशवरा किया जा सकता है, गौर किया जा सकता है। यह तो अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है, यह परवरदिगार आलम का हुक्म है, जो हमारा खैरखा भी है,
ہمدرد ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اور عمل کے اندر جو اثر پوشیدہ ہے کہ اس عمل کی کیا خاصیت ہے، یہ عمل کرنے کے بعد روح پر کیا اثر مرتب ہوگا، جو ان خاصیات کو سمجھتا ہے اور حکم دینے میں جس کا کوئی نفع نہ ہو، قربانی کرنے والے کا ہی نفع ہے اور اس کا نفع قربانی دینے والے کی طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وہاں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، حکم دینے والا بھی خیر خواہ ہمدرد ہے اور حکم دینے والا اعلیٰ درجے کی عقل رکھنے والا پروردگار ہے۔ ہماری عقل ہی کیا ہے؟ قربانی اگر تم ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قربانی کس کی مانگی جا رہی ہے، جان کی الحمدللہ، مال کی الحمدللہ، عقل میں نہیں آتی بات الحمدللہ۔ ہماری عقل ہی کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی ہمارے عقل میں؟ عقل بھی تو اللہ کی پیدا کی گئی ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے، خالق کی حکمتوں کو کہاں تک تلاش کرو گے؟ یہ دیکھو بس کہ انبیاء کو اعتراض ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے؟ انبیاء کو اعتراض نہیں ہوا، نہ حضرت ابراہیم کو اعتراض ہوا، نہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض ہوا۔ ایک نہیں، دو نہیں، یہ ایک قربانی واجب تھی۔ حجۃ الوداع میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے اور 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، اور باقی اونٹوں کو بارے میں فرمایا علی تم باقی اونٹوں کو ذبح کر دو۔ اس میں اشارہ تھا کہ اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وفا کرنے والی ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ 63 سال پر یہ آخری نبی اس امت سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 63 اونٹ ذبح کیے۔ فلما اسلما، جھکا دیا، ڈال دیا اللہ کے سامنے، حوالے کر دیا، سپرد کر دیا جو تیرا حکم ہے میں مرضور ہے۔ فلم میں، جان تیری ہی ہے، اگر تو مانگتا ہے، ایک امانت دار اپنی امانت واپس مانگتا ہے تو یہ اعتراض کی کیا بات ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا۔ دو روایتیں ہیں، کہتے ہیں جیسے آدمی اوندھا سوتا ہے نا، کہتے ہیں اس طرح لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو گردن کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے، یہ ایک روایت یہ بھی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مشورہ بیٹے نے ہی دیا تھا، تاکہ نبی آخر نبی ہونے کے باوجود باپ بھی تو ہے، بچوں کو سب سے زیادہ محبت نبی کرتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی تفصیل کا یہ مختصر موقع نہیں ہے، بچوں سے سب سے زیادہ محبت نبی کو ہوتی ہے، بچوں سے محبت کرنا نبی نے ہی سکھایا ہے۔ لیکن نبی کو صرف ادھورا سبق یاد نہیں ہے، یہ سبق بھی یاد ہے۔ اس بچے کو ذبح کرنے کا اگر حکم ہوتا ہے تو وہاں چوہوں چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ سبق بھی نبی نے ہی سکھایا ہے۔ فلما اسلما، بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح کروٹ لٹایا گیا، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے یہ حکم دیا کہ ابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ شفقت پدری باپ کی محبت جوش میں آ کر جو ہے تمہارا ہاتھ رک نہ جائے، اور تمہیں تامل ہو اور ذرا بھی ہچکچاہٹ ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے سے رہ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے ہی مشورہ دیا تھا، اسی کو اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے حضرت اسماعیل کو یہ آداب؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہو، اعتراض کرنے والو تمہارے دل میں اللہ کی عظمت کم ہے، تمہارا دل اللہ کی محبت سے ویران ہو چکا ہے، تم اللہ کا جو حکم آتا ہے تو تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا اس میں حکمت ہے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ ارے جب اللہ کا حکم آ گیا، فائدہ ہو یا نہ ہو، بظاہر نقصان معلوم ہو رہا ہو، ارے چونٹی کو یہ بڑا بنگلہ، بنگلے کی حکمت نہیں نظر آتی؟ ہماری عقل اللہ کی بنسبت چونٹی سے بھی کم ہے۔ حکم دیا گیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی شاعر نے واقعی خوب کہا، محبت خود آداب محبت سکھا دے گی، محبت خود آداب محبت سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر، یعنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، عظمت پیدا کرو اللہ کی، اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ کیا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا؟ کیا ابراہیم کو ہمارے سے بھی عقل کم تھی؟ کیا حضرت اسماعیل کو عقل نہیں تھی؟ نبی سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے امت کا، سب سے عقل مند ترین انسان کو نبی بنایا جاتا ہے، ان کو اعتراض ہونا تھا تو ان کو ہونا تھا، سب سے زیادہ رحم ہوتا نبی کے سینے میں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَمِلِ، لٹا دیا گیا، چھری چلا دیا۔ اس کا ذکر قرآن نے نہیں ذکر کیا، خدائی دم بخود ہے اور ہلچل مچی ہے، ویلا ہے فرشتوں میں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس لیے بات کا مضمون قرآن نے نہیں ذکر کیا۔ چھری لی اور حضرت ابراہیم ہیں اور اپنے بیٹے کے اس پر چھری چلا دی۔ ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ چھری غداری کرے گی، ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ چھری غداری کرے گی، عین وقت پر پتا چلا کہ چھری نے غداری کی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ جب زمبا کا خون بہ رہا تھا تو آواز آئی، وہ نہ جائے نہ ہو یا ابراہیم، وہ نہ جائے نہ ہو یا ابراہیم، وہ ابراہیم تم نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نزی المحسنین، تم نے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جو لوگ قربانی ہمارے احکام کے سامنے سر ڈال دیتے، سر جھکا دیتے ہیں، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے، عقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ یہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے مجھے بہت خوب یاد آیا، کسی شاعر نے خوب کہا ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ محبت پیدا تو کر کے دیکھو، جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، مال قربان کرنے بھی آدمی تعمل نہیں کرتا، بیٹے کو ذبح کرتے وقت بھی آدمی نہیں سوچتا۔ وہ نہ دینا ہوا یا ابراہیم، کہتے جنت کا ایک مینڈا آیا اور حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کیا، کہا جو بھی جس درجے کی قربانی دے گا ہم اخلاص والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے رہیں گے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، واقعی بہت بڑا کھلا ہوا امتحان تھا اور یہ دنیا کا سب سے آخری اور یہ انتہائی سب سے سخت ترین ڈیفیکلٹ امتحان تھا جو حضرت ابراہیم سے لیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا ہم نے ان کے بدلے میں یہ مینڈے کو ذبح کیا۔ یہ پانچ امتحانات تھے، ترتیب سے میں ذکر کرتے ہوئے آ رہا ہوں، یہ پانچ امتحانات تھے جو حضرت ابراہیم سے لیے گئے۔ اس کے بعد کہا گیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کے عمل کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ یہ صلہ ہے پوری دنیا میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا۔ میں کیا کہوں، وقت ہو گیا، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ انبیاء تو انبیاء، ہندوستان میں، پوری دنیا کے ہر ملک میں جو دین باقی ہے، مدارس باقی ہیں، مکاتب باقی ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے، کس کس ملک میں کن بزرگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، کن بزرگوں نے کس درجے کی قربانی دی ہے، کن کے خاندان نے کیا کیا لٹایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں اور دنیا میں یہ دین باقی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خلاصہ ہے، یہ روح ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، قربانی کرنے کے بعد اگر اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا نہ آیا تو سمجھ لیے قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ قربانی تو ہو گئی، قربانی کا مقصد نہیں حاصل ہوا، اس لیے کہ ابھی نفس زندہ ہے، ابھی نفس زندہ ہے، ابھی اللہ کے سامنے جھکنا نہیں آیا، ابھی عقلی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ کیوں حرام ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس کے معنی پردے میں، پردہ کرنے میں یہ نقصان ہے،
सूद के हराम करार देने में यह नुकसान है, रिश्वत के हराम करार देने में यह नुकसान है, लड़कियों को देखने से मना करने में यह नुकसान है, इसके इसमें यह नुकसान है। भाइयों, इस तरह जब तक अकल के तकाजों को पामाल नहीं करोगे अल्लाह के सामने, इसका मतलब यह है कि कुर्बानी का मकसद उसे हासिल नहीं हुआ। हज का एक मकसद है। आखिरी बात अर्ज करूं, जब आदमी तवाफ करता है, जब हजरे अस्वद से तवाफ शुरू होता है, यह इश्क का इम्तिहान होता है, ये स्कैन मशीन है। हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर आदमी गोया अपने रूह की कैफियत का कि वो अंदर से ईमान मोमिन है या मुनाफिक है, हजरे अस्वद में उसका इम्तिहान होता है, स्कैन होता है। इसीलिए बहुत डरने की बात यह है हाजियों को, उमरा करने वालों को, हजरे अस्वद की चीज़ है। हजरे अस्वद रिकॉर्ड है, हदीस में आता है कयामत में अल्लाह ताला हजरे अस्वद को दो आंखें और एक कान देंगे, दो आंखें और एक जबान देंगे। वो हजरे अस्वद के करीब जाने वाले को देखता भी है और कयामत के दिन गवाही भी देता है। इसी तरह कुर्बानी का हुक्म ये दिलों की मोहब्बत का इम्तिहान है। ये हमारा हुक्म सुनने के बाद भी कौन कुर्बानी करता या नहीं करता। हाँ, बहुत सारे एतराजात के जवाब दो जुमा से मैं दे चुका हूं, और जो इसकी फजीलतें हैं वो गुज़िश्ता जुमा में अर्ज कुछ पांच छह फजीलतें गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज किया जा सका, बार बार दोहराने से वक्त तवील हो जाता है। अल्लाह हम सबको हजरत इब्राहिम और उनके साहेबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दिलों में जो मोहब्बत का जज्बा था, अल्लाह ताला उसका गुज़र्रा हमें भी अता फरमाए। किसी ने खूब कहा, मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत के निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत के निभाने में पसीना छूट जाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।